देखो कितनी ज्यादा ठंड है। नमस्कार, मैं पूजा उपाध्याय स्वागत कर रही हूँ फिर से अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों तो आज हम आए हैं, आज मैं अपने मायके आई हूँ। आज मायके में मेरा दूसरा दिन है और हम आए हैं आज चंडिका मंदिर घूमने। ये देखो इतनी बड़ी पलटन लेके हम पहुंच गए हैं चंडिका मंदिर में। ये है मुन्नू उपाध्याय, माही जोशी ब्लॉगर। आप इन्हें माही जोशी करके सर्च कर सकते हैं। सिर्फ अभी दो ही वीडियो डाली हैं, तो प्लीज इसको भी सपोर्ट करना दोस्तों। और बाकी देखो आज हम आपको चंडिका माता मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। बोलो तो ये है दोस्तों बागेश्वर का बहुत माना जाना और प्रसिद्ध मंदिर माँ चंडिका मंदिर। ये देखो आप कितनी सुंदर कलाकृतियाँ कर रखी हैं। ये हमारे कल्चर, ये हमारे कल्चर को दर्शाती हुई पिक्चर्स। हरेला त्योहार को कर हरेला पर्व मनाते हैं, जैसे वो यहाँ पर दर्शा रखा है। माननीय सुरेश खेतवाल जी भोले भाले पहाड़ी को इन्होंने बरसात अधूरे देखे वो आते ही है मिल जो माता हो माता अभी पूरा बनाने को मजा आ रहा है। चलो मंदिर में चलो। चलो के नीला बनाया वीडियो बना दो के जय बजरंग बली, जय जय हे प्रभु हे प्रभु, जय माता संतोषी संतोषी माता हूँ को जय हो संतोषी माता। तो ये है दोस्तों माँ चंडिका का पावन मंदिर हमारे बागेश्वर। कितनी खूबसूरत और कितनी पवित्र जगह। बहुत गर्व है हमें इस बात पे कि हम बागेश्वर से हैं दोस्तों। इतनी पावन भूमि नसीब हुई है हमें, बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, आंखों को सुकून मिलता है। क्यों तुम मिले किस लिए मिले, मन था इसलिए जिंदगी मन था।
दोस्तों ये है बागेश्वर व्यू। ये है सरयू नदी, उधर नीचे संगम है इसका दोस्तों, और इधर पूरी एरिया नुमाइश खेत की आ रखी है। ये है नुमाइश खेत, और उधर बागनाथ मंदिर है, उधर को नदी गांव होते हुए उधर दूर हमारा गांव है उस वाली पहाड़ी पे। इस वाली पहाड़ी पे नदी गांव है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ये आ गया गोमती पुल, और ये पूरी एरिया बागेश्वर की है दोस्तों। देखो आप, ये है हमारा सुंदर सा बागेश्वर। ये है उधर चंडिका माता का मंदिर, वन नीलेश्वर भगवान जी का मंदिर सॉरी। क्या बुला दे सके, मैं रश्मि ब्लॉगर। डबल ट्रिपल खुशी मिली है क्यों? क्योंकि मेरी टीवीएस घर आई है, और सबसे खूबसूरत है जो मौका देगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी दीदी आती है, मैं क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ घर में, इधर चलो ना थोड़ी देर नीचे, यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। तो ये है दोस्तों चंडिका मंदिर, ये आगे इधर आगे पहाड़ पे नीलेश्वर। देखो आप कितने सुंदर बागेश्वर है हमारा, कितनी प्यारी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह छोड़ के हम दिल्ली में रहते हैं दोस्तों। आप सोचती हूँ काश गए नहीं होते, खूबसूरती तो हमारे पहाड़ों में ही है दोस्तों, वहाँ रोजगार की वजह से जाना पड़ता है। आंखों को सुकून, दिल को सुकून, सच में बहुत खुशी होगी दोस्तों आज देख के अपने टाइम बाद। ना ना बागेश्वर में कायल बना रखी है झूल व्यू डालने में। देखो सुरेश खेतवाल जी, देखो आप, आपने बच्चों के लिए झूले डाले, इतने छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं। बच्चों का है सप्पा है वो दूध पीने।